रूबीना दिले की जीत की सबसे बड़ी वजह उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। ये बात जब से रूबीना जीती है तब से इसी बात को बार बार डिस्कस किया जाता है और ये बात जो है लगातार चर्चा में बनी हुई है। अब बिग बॉस की एक ऐसी ही एक्स कॉन्टेस्टेंट से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या दिया जवाब, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। दरअसल हिमांशी खुराना ने हाल ही में एक इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आपने जब ये सीज़न देखा तो रूबीना विनर बनी है, तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे ये सीज़न फॉलो करने का इतना समय नहीं मिला है, शूटिंग में बैक टू बैक बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जिसमें मैं बिजी थी, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन है ये मैं मानती हूँ और इसीलिए वो जीती भी होंगी। तो उनसे पूछा गया, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी और इसीलिए उनको जिताया गया है, जिस पर हिमांशी ने कहा कि कई बार मेकर्स जो है ये ज़रूर देखते होंगे कि फैंस का कितना प्रेशर है, फैन फॉलोइंग का कितना प्रेशर है और वो कितना बड़ा चेहरा है, उसका टीवी इंडस्ट्री में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से उन्होंने इनडायरेक्टली इस बात को माना है कि फैन फॉलोइंग का प्रेशर रहता है। आपको याद होगा जब राहुल वैद्य घर के बाहर आए थे, जब उन्होंने शो को एग्जिट किया था, उसके बाद उनके फैंस ने जिस तरीके से हंगामा मचाया था और उसके बाद उन्हें वापस जो है री एंट्री मिली थी, तो तब भी ये बात उठी थी कि ये फैन के प्रेशर की वजह से जिस तरीके से फैंस मिस कर रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड किया कि वापस राहुल को लाओ, उसी वजह से राहुल को लाया गया। तो क्या फैंस प्रेशर की वजह से भी बिग बॉस का विनर किसी को बनाया जा सकता है? हालांकि हम सभी ने बिग बॉस का गेम देखा है और ये बात साफ है कि रूबीना ने जिस तरीके से खेला है, उनका अगर कोई कॉम्पिटिशन था तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल वैद्य थे और उन दोनों में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो घर के अंदर रहकर भी आए थे रूबीना को ही सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि हम लोग एक या डेढ़ घंटे का शो देखते हैं, लेकिन जो अंदर रहकर आए उनके लिए भी जो फर्स्ट चॉइस थी वो रूबीना थी। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में फैन फॉलोइंग का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट ना भी हो तो भी उसे जिता दिया जाए? आप क्या इस बारे में सोचते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।